ताकत जो आपसे और मुझसे कहलवा उठती है बहुत खूब करोड़ों लोगों के हृदय में अगर कविता बसती है तो उसका कारण उसकी ताकत है ये ताकत शब्दों की है अक्षरों की है कविता चाहे तहत में कही जाए या तरन्नुम में कही जाए शायरी चाहे यूं कही जाए जैसे मैं कह रहा हूँ उस वक्त फ्री वर्ड्स या गा के पढ़ी जाए बहुत वर्षों पहले ऋषिदा की एक फिल्म आई थी नमक हराम और वो गीत अचानक मुझे याद आता है हो मैं चला मैं चला मैं शायर बदनाम लेकिन दोस्तों हमारे यहां के कवि और शायर कहीं जाने वाले नहीं है वो तो आपके दिलों में बसने वाले हैं और आप कहने वाले हैं बहुत खूब तो वो कवि वो शायर जो आज हमारे साथ है जिनके लिए आप कहेंगे बहुत खूब आइए मिलते हैं उनसे जो इस वक्त यहां पे भावपूर्ण मुद्रा में आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं वेदव्रत वाजपेयी उनका नाम है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आते हैं वेदव्रत वाजपेयी <स्थाथ> उनके बाद जो है वो भी लखनऊ से आई है हालांकि ये दोनों साथ नहीं आए हैं दोनों अलग, अलग अलग वाहनों से आए हैं यहाँ पे लेकिन ये बात भी सही है कि दोनों लखनऊ में है एक, एक, एक स्कूल चलाते हैं एक भारतीय रेलवे में काम करती हैं भारतीय रेलवे में शिखा श्रीवास्तव काम करती हैं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन भारतीय रेलवे पदस्थ जरूर है नौकरी भारतीय रेलवे में करती है तनख्वाह भारतीय रेल से उठाती है और हिंदी कविताएं सुनाती है शिखा श्रीवास्तव और एक जो किसी जमाने में शिक्षक हुआ करते थे फिर जब कई सारे छात्रों ने यह कहा कि इससे अच्छा आप घर ही जाए <laughs> तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया महेंद्र रजनबी ने कि मुझे अब सिर्फ कविताएं ही सुनाना चाहिए महेंद्र अजनबी उनका नाम है हम स्वागत करते हैं महेंद्र तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत में चाहता हूं कि थोड़ी और के साथ हो आज के कार्यक्रम की शुरुआत ओज के साथ हो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा भाई वेद वेदव्रत वाजपेयी से कि वहां है और हमें कुछ ऐसा सुनाए कि हम जोरदार तालियां मातृभूमि की मुट्ठी भर रेत पर कुबेर का सारा खजाना निचोड़ किया जा सकता है क्या बात है मैं एक चार पंक्तियां एक छंद के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं सुनिएगा देखिएगा मैं कहना चाहता हूं कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे ऊंचे-ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभी राम मिल जाएंगे प्रेमिका के नैन अभी राम, राम मिल जाएंगे भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे भारती की आरती करोगे यदि बार बार एक बार में ही चारों धाम मिल बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे एक बार में ही चारों धाम मिल और राजनीति पर एक कटाक्ष करना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ सुनेगा कि जो भारत की आजादी को गी आंख दिखाते हैं कि जो भारत की आजादी को गीदड़ आंख दिखाते हैं जो भारत की आजादी को गीदड़ आंख दिखाते हैं छोड़ पटाके भारत की सीमाओं को धमकाते हैं उनसे कह दो सूरज कारथ जुगनू रोक नहीं पाते उनसे कह दो सूरज कारथ जुगनू रोक नहीं पाते तूफानों के तीखे तेवर तिनके टोक नहीं पाते तूफानों के तीखे तेवर तिनके टोक नहीं पाते पर्वत घाटी नदी समंदर झीले झरने अपने हैं पर्वत घाटी नदी समंदर झीले झरने अपने हैं दुनिया भर के दादाओं से टकराने के सपने हैं दुनिया भर के दादाओं से टकराने के सपने हैं दुनिया भर के दादाओं से टकराने के सपने हैं दुनिया वालों नीची रखना बंदूकों की नालों को नीची रखना बंदूकों की नालों को मेरी चाल से गति मिलती भूडोलो भू चालों को मेरी मिलती भू डोलो भू को मेरी चालों से गति मिलती भूडोलों भूचालों को मेरी हंकारों से धरती अंबर डगमग डोलेंगे मेरी हंकारों से धरती अंबर डगमग डोलेंगे शैलराट प्रज्ञ ने शंकर नयंती से खोलेंगे लेंगे शैलराट प्रज्ञ ने शंकर नयंती से राखो लेंगे हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का सेना लड़ती है लेकिन विजय का सेहरा किसी राजनीतिक के सर पर बनता है उस पीड़ा को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है मैं कहना चाहता हूं बलिदानों को अगर चुनावी समीकरण से जोड़ोगे बलिदानों को अगर चुनावी समीकरण से जोड़ोगे सीमा पर मरने वालों के विश्वासों को तोड़ोगे सीमा पर मरने वालों के विश्वासों को तोड़ोगे राजनीति कब समझ सकी है देशभक्ति के रंगों को राजनीति कब समझ सकी है देशभक्ति के रंगों को सरहद याद नहीं रहती है वोटों के भिकमंगों को सरहद याद नहीं रहती है वो के दिकमंगों को लंबे चौड़े भाषण देते रहते जो स्टेजों पर जीती भूमि गंवा देते हैं समझौतों की मेजों पर जीती भूमि गंवा देते हैं समझौतों की मेजों पर विजय श्री काशे मिला यदि राजनीति के मंचों को विजय श्री काशे मिला यदि राजनीति के मंचों को क्या दोगे फिर आग उगलने वाले तोह तमंचों को क्या दोगे फिर आग उगलने वाले तोह तमंचों को जब सैनिक बंदूक उठाता है वो गरीब का बेटा होता है इसलिए दो पंक्ति देना चाहता हूं कि क्या दोगे फिर आग उगलने वाले तो मंचों को अगर किसी मंत्री का बेटा भी बलिदान हुआ होता अगर किसी मंत्री का बेटा भी बलिदान हुआ होता उसके हिस्से में यह सारा हिंदुस्तान हुआ होता वा, 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 उसके हिस्से में हुआ होता आज समय, समय है सिर्फ शहीदों के पावन गुणगान का आज समय है सिर्फ शहीदों के पावन गुणगान का नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान बहुत वाजपेयी जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपकी ताकत सच्चाई है और कभी सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा किसी ने बहुत ठीक कहा है कि मुझे मारने की जरूरत क्या है मेरी कलम छीन लो मैं खुद ही मर जाऊ है है बात? है बात? बात कलम छीन ली जाए बच्चा क्या है लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सच बोलेंगे और इसी तरह बोलेंगे यूं जाएंगे यूं आएंगे और फिर से आके कुछ सच सुनाएंगे तब तक कहते रहिए बहुत देखिए मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं मैं गया और लौट लौट आया मैं लौट आया हूं बहुत सारे सच लेके जो सच वेदव्रत वाजपेयी के पास है वो वेदव्रत वाजपेयी का सच है एक सच महेंद्र अजनबी के पास है जब मैं ब्रेक में गया था तो महेंद्र अजनबी बड़े बेताब थे मुझे भी एक सच सुनाना है तो मैंने कहा भाई आप भी आइए अपना सच सुनाइए <laughs> तो सच सच में थोड़ी सी जंग हो जाए एक सच ये था एक सच वो है आइए सच साहब मतलब अजनबी साहब जरा आइए और सुनाइए बहुत कविता सुनाई अभी भाई प्रकाश जी ने जी जी ने ने वरना कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि आ जाता भाई साहब इतनी जोर से चीखता लोग घबरा के ताली बजा जाते <laughs> वो तो ध्यान है कवि को सुन रहा था पिछले दिनों आते ही चिल्लाया खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए <laughs> सोचा यार ये कौन सी, मैं सोचने लगा ये कौन सी की पंक्ति लेके आया जिसमें इसे तेल की जरूरत पड़ रही दूसरी पंक्ति सुनी बहुत देर तक हंसा बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल, तेल चाहिए। आज मेरे देश को पटेल चाहिए। <laughs> मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना अच्छा वो तो बहुत से कभी तो ऐसे आते हैं भाई साहब सब सबसे पहले पाकिस्तान को मंच से खत्म कर मेरे तो एक दोस्त ने बहुत बढ़िया बात कही है बोले यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते हाँ, बहुत अच्छे जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी उन दिनों जनता में बहुत जोश आया हुआ था जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे मेरे मोहल्ले में भी हुआ अच्छा मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया मेरी एक कविता बन गई जी किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है सीधे सीधे कविता शुरू करता हूँ कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था मंच के थे बहुत ही ठाट बाट वीर रस के कवि बैठे थे लगभग साठ मैं खुश हुआ साठ कवियों की पूरी प्लाटून भाई क्या बात है आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात एक <laughs> ने तो बहुत ऊंची छोड़ी है पाकिस्तान हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोपे यार राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी वो बोला कुछ नहीं यार उसकी धार से मरेगा तो मरेगा नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरी तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से एक ने तोप से उड़ाया एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था एक भी पैसा खर्चा नहीं किया पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा <laughs> अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से अच्छा दूसरा हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले <laughs> सुन ले पाकिस्तान सुन ले मैं चकराया अबे ये क्या क्लेश है जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश <laughs> <laughs> जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना, उठाना चाहिए।, चाहिए वो फिर चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही वो फिर चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले एक श्रोता खड़ा होकर बोला अबे क्या और किससे कह रहा है पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है आ, 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 आ। कभी ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार बात के बदला इस्लामाबाद अगर तो इस्लामाबाद अगर मेरी सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगा वीर रस का अब जो कभी आया शैलेष जी होगा करीब करीब पंद्रह किलो का अच्छा इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था <laughs> पाँच छः किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे मैंने तो पूछा शैलेश भाई से मैंने कहा ये वीर रस का कभी इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया ये बोले ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूकता ही रहता है <laughs> इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रहा था <laughs> अच्छा इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था तो श्रोताओं में से एक बोला भाई कौन खड़ा है दिखाई नहीं पड़ रहा दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा <laughs> उसकी बगल वाला श्रोता बोला लगता है तू भी गच्चा खा गया है अबे कभी तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। <laughs> दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ उसके बगल वाला श्रोता बोला किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ अच्छा एक श्रोता वाकई में दूरबीन ले आया उससे देखते हुए बोला बाप रे ये कभी उसका <laughs> अचानक वो कभी बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला लगता है मिर्गी का दौरा आया एक श्रोता बोला इसे जूता सुंघाओ दूसरा बोला गरम गरम दूध पिलवाओ तीसरा बोला तू किस टेंशन में है गौर से इसकी जेब देख इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में <laughs> और वीर रस जो जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा आते ही चिल्लाया अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधा इस्लामाबाद पर इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमश लाहौर कराची सियालकोट करांचा हड़प्पा गिलगित मुल्तान रावलपिंडी तक में झंडे फहरा और एक घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही पांच कवियों ने पाकिस्तान के सैतालीस शहरों पर कब्जा कर लिया अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा क्योंकि तो पांच कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा और वो मेरा दोस्त था मंच से उतर के मेरे पास आया मुझसे बोला यार अजनबी क्या करूं कहां जाऊं इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है मैं झंडा कहाँ फहरा झंडा कहां कहाँ हूं फिर तू ऐसा कर जा झंडा लेकर और आगे बढ़ जा <laughs> और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा <laughs> वो बोला नहीं वहां तो आजकल अमरीका बम फेंक रहा है <laughs> मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है वहां तेहरान निकल जा तेरा क्या जा रहा वहां फेरा <laughs> <laughs> वो बोला यार तेहरान तो क्या उसके आगे इराक है वहां बगदाद उसके आगे सीरिया है वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दू पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाता ये है सबसे बड़ा रिस्क रिस्क मैंने कहा फिर ऐसा कर ले या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले <laughs> या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा <laughs> यही से तो तू टेक ऑफ करेगा यहीं से तो उड़ान भरेगा कविता समाप्त हो गई बहुत बहुत धन्यवाद तो यू टर्न लेके मंच पे आ जा भाई बड़ा कमाल है रवि आपने ये जो तथा कवि है उनके ऊपर जो टिप्पणी की वो बड़ी कमाल की है निश्चित तौर पे लोग ऐसा करते हैं यू टर्न लेके जिंदगी में लौटने की जरूरत होती है यू टर्न आदमी कब लेता है जब कहीं निकल जाता है और फिर से वापस आता है मैं जा रहा हूं लेकिन यू टर्न लेके <laughs> आ रहा हूं और जब तक मैं यू टर्न लू यू शुड नॉट गो एनी वेर आई जस्ट गो एंड कम बैक सी यू So heard... हमने सुना जी को, हमने सुना जो वास्तव में सुनाएंगी तो शिखा जी जरा यहाँ आए और हमें सुनाए हम जोरदार का सिंगारस की बात करते हैं और आप जुड़िए मुझसे मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको सुनिए गजल भी तुम आज हो तुम के कल में तुम ही तुम क्या बात गीत भी तुम गजल में तुम, में, तुम, में तुम 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 आज हो कल ही सपनों में नींदों मेरा तो मैं तुम ही तुम गीत भी तुम गजल है? में तुम और बंस जोड़ती हूँ मेरी अखियां तेरे रूप के जाल में क्यों लझने लगी ये बता मुश्किल राह की तेरे आ जाने से क्यों सुलझने लगी ये बता धरा में तुम गगन में तुम अगन में तुम पवन में तुम ही तुम धरा में तुम गगन में तुम अगन में तुम पवन में तुम ही तुम चमन में खुशबू में फूलों में तुम ही तुम तुम में आज हो तुम कल में तुम ही तुम सपनों में नींदों में रातों में तुम ही तुम गीत में तुम और ये बस तेरी प्रीत का मैं तो मनमीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी बस तेरी प्रीत का मैं तो मनमीत का दर्पण लिए खड़ी जन तुम अर्चना तुम ही तुम ध्यान में तुम, तुम प्राण में तुम हो पूजन तुम अर्चना तुम ही तुम चंदन में वंदन में भाव में तुम ही तुम 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 गीत तुम तुम में तुम। गजल में गजल आज हो तुम के कल में तुम ही तुम सपनों में नींदों में रातों में तुम ही तुम गीत में तुम गजल में तुम और अंतिम निवेदित करती हूँ सुनिएगा सावन भी जब प्रीत की डोर हो और झोला तेरी बाह का मन मचलने लगे और गाए शिखा गीत फिर चाह की सावन में जब रीत की डोर हो और झोला तेरी बाह का मन मचलने लगे और गाए शिखा गीत फिर की चाह का छ में तुम बंद में तुम स्वर में तुम ताल में तुम ही तुम छंद में तुम बंद में तुम स्वर में तुम ताल में तुम ही तुम राग रंग में तुम साजो में तुम ही तुम गीत में तुम गजल में तुम आज हो तुम कल में तुम ही तुम सपनों नींदों में रातों में तुम ही तुम गीत में तुम गीत में ये ये मोहब्बत की इंतहा है ये प्यार की पराकाष्ठा है कि गीत में तुम गजल में तुम दिन में तुम रात में तुम चंद में तुम बंद में तुम प्राण में तुम भाव में तुम साज में तुम ताल में तुम वर्ण में तुम हर जगह तुम ही तुम ये शायद प्यार की पराकाष्ठा हो सकती है और किसी साइकेट्रिस्ट की निगाह में बीमारी भी हो सकती है आदमी को नॉर्मली अगर एक आंख से कोई चीज दो नजर आए तो भी आंख के के डॉक्टर पास से जरूर सलाह करें कि मुझे हर जगह तुम ही तुम क्यों नजर आता है क्या कभी मैं भी नजर आना चाहिए कभी हम भी नजर आना चाहिए भाई बहुत सारे हमारे यहाँ पे उद्बोधन है संबोधन है मैं नजर क्यों नहीं आता हम नजर क्यों नहीं आता यू नजर क्यों नहीं आता ये तुम ही नजर क्यों आता है खैर ये एक रिसर्च का विषय है कि ये तुम ही नजर क्यों आता है लेकिन आपको हम नजर आते हैं हमें आप नजर आते हैं क्योंकि हमारा रिश्ता जो मोहब्बतों का है वो एक दूसरे को नजर लगाने का नहीं है एक दूसरे को नजर आने का है एक दूसरे को गीत सुनाने का है एक दूसरे को गजले सुनाने का है और एक दूसरे को ये कहने का है कि भाई आप भी बहुत खूब हम भी बहुत खूब